फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मदर ब्लॉगर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है या जो हाइट को लेके बहुत ही चिंतित हैं कि हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे से टिप्स आपको बताऊंगी, जिसको अपनाकर आप लोग भी अपनी हाइट आसानी से बढ़ा सकते हैं। और इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर में किसी की हाइट ज़्यादा नहीं है या अनुवांशिक हाइट इतनी चली आ रही है तो मेरी भी हाइट कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज करके और अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करके वो अपने वैसे हार्मोन्स अपने अंदर बॉडी में ग्रो कर सकते हैं, जिससे हम लोग की हाइट अचानक से बढ़ सकती है। इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं बता रही हूँ आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी है और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो प्लीज़ बने रहना। तो फ्रेंड्स, हम लोग की हाइट बढ़े ना बढ़े ये अलग बात है, लेकिन हम लोग कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो इसके लिए हाइट बढ़ाने के लिए आपको वक्त रहते सारे प्रयास कर लेने चाहिए। तो उसमें से एक दो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी बच्चों को, जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, सभी को करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप 15-16 ईयर्स के हो गए तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। लड़कियों की हाइट 18 ईयर्स तक आराम से बढ़ सकती है, किसी भी वहम में ना पड़े और बराबर अपना प्रयास करते रहें। तो उसके लिए एक योगा मैं आपको बता रही हूँ, जैसे किसी भी ग्राउंड में या अपने घर में भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ करके ऐसे आप ऊपर कर लीजिए, ऐसे हाथों को लॉक कर लेना है, ऐसे लॉक कर लीजिए और पंजे आपको थोड़े से उठा लेने हैं। देखिए इस तरह से आपको अपने पंजे जो हैं वो इस तरह से उठा लेने हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे 10 सेकेंड तक आपको चलना है ऐसे पंजे उठाकर। ये हाइट बढ़ाने का बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरीके से बताया हुआ योगा है, और इसको आप करके बहुत आसानी से अपना हाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगा है हाइट बढ़ाने के लिए। जैसे भी हो, बस ऐसे हाथ को आपको ऐसे कर लेना है ऊपर, और अपनी जैसे नॉर्मल हम लोग ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे उठा के आप उठ जाएंगे ऊपर, और ऐसे ऐसे आपको चलना है। तो 5 मिनट तक अगर आप ऐसे चलते रहते हैं तो इससे आपके हाइट बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और एक दूसरा योगा और है, मैं बताती हूँ। जो दूसरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पर ऐसे लेट के होगा, इसमें आपको सीधे करके ऐसे लेट जाना है ऐसे, और अपने पैर को ऐसे उठाना, जितना आपका पैर मुड़ सकता है उतना मोड़ लीजिए ऐसे। और इस एक्सरसाइज को भी आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट तक आप अपने ऐसे पैर हवा में उठा के रख सकते हैं। इसके अलावा हाइट बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार भी होता है, हाइट बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार वाला योगा भी ऐसे करके होता है। पीछे जाके करती हूँ ऐसे। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको अपना के आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रोप स्कीपिंग जो होती है, रस्सी कूदना भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है हाइट बढ़ाने के लिए। तो आप रस्सी भी कूद सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में, और लेकिन जिनके घुटने में प्रॉब्लम हो तो रस्सी ना कूदें, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके घुटनों में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो छोटे बच्चे जो हैं जैसे 11 से 20 ईयर्स के जो भी बीच में वो आराम से रोप स्कीपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, और कोई पार्क में पाइप लगे होते हैं उस पर लटक सकते हैं। लटकना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लटक कर भी आप अपनी हाइट अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों को हाइट बढ़ाने के लिए अपने खान पान पर कैसा ध्यान देना चाहिए। तो डेली आपको 1 गिलास दूध पीना चाहिए और प्रोटीन बेस्ड आइटम ज़्यादा खाने चाहिए। जैसे अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, गर्मी में कम लेकिन सर्दियों में आप आराम से एग खा सकते हैं। एग में बहुत प्रोटीन होता है जो आपकी हाइट गेन करने में आपको बहुत मदद करेगा। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो सोयाबीन की बड़ी है, पल्स है, ये सब चीज़ें अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन खा सकते हैं, प्रोटीन बेस्ड जितने भी आइटम हैं आप वो खाइए ज़्यादातर, तो फिर इससे आपकी हाइट बहुत अच्छी बढ़ेगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम लोगों की हाइट चलते फिरते नहीं बढ़ती, हम लोगों की हाइट जब हम लोग सो जाते हैं तभी ज़्यादा बढ़ती है। तो सोने का पोस्चर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ये जो हम लोग करवट बदल के ऐसे करके सो जाते हैं ये
पोस्चर है, आप लोगों को हमेशा सीधे होकर सोना चाहिए, जिससे हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड जितनी सीधी होगी आपकी हाइट गेन करने में उतनी ही आसानी होगी। इसलिए आप लोग सोने का टाइम बिल्कुल सीधे होके सोया करें, क्योंकि सोते टाइम ही हम लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और इसके अलावा है कि आप लोगों को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। आजकल बच्चे अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, रात रात में जगते हैं, तो नींद ना पूरी होने के कारण भी बहुत सी बीमारियां हम लोगों को लगती हैं जो हम लोगों को पता नहीं चलती हैं। तो एक चूँकि रात में ही हाइट बढ़ती है तो एकदम साउंड स्लीप होकर अच्छे से 8 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए। नींद को नहीं मारना चाहिए अपनी, नींद लेना, एक अच्छी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा आपको दिन भर में 3-4 लीटर पानी भी पीना चाहिए। जितना पानी आप पियेंगे उतने ही आपके बॉडी से जो बैड सब्सटेंस होंगे उतने ही ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो काम करेगी जो आपके लिए अच्छा है। तो इसके अलावा आप खान पान पर अपने ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और रनिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता देने वाली हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बॉयज़ हैं जो अपनी हाइट बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर वो 21 ईयर से पहले जिम जाते हैं और भारी भारी उठाते हैं, डंबल उठाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि 21 ईयर से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा भारी आइटम नहीं उठाइए, क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वो एक ही दिशा में बढ़ता है। अगर आप ये सब चीज़ें उठाते हैं तो आपका जो ये सब बढ़ने लगता है, नहीं, ये सब आपको हाइट बढ़ानी है। 21 साल तक अपनी हाइट बढ़ाइए खाली, जिससे एक दिशा में हम लोग की बॉडी एक दिशा में बढ़े, आप उसे कहीं और डाइवर्ट मत कीजिए। तो 21 साल जब आपके पूरे हो जाए उसके बाद ही आप जिम ज्वाइन कीजिए और जिम में जाके भारी भारी सामान उठा सकते हैं, लेकिन 21 साल तक अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, उस बॉडी का इंटेंशन से हाइट बढ़ने में होना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 21 ईयर से पहले अगर आप जिम जाते हैं तो ऐसी एक्सरसाइज करिए, वहाँ पे ट्रेनर को बताइए कि मुझे ऐसी एक्सरसाइज करनी जिससे हाइट बढ़े, ना कि आपको वेट उठाना है। भारी भारी वेट उठाना कहीं से भी सही नहीं है, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो छोटे छोटे टिप्स मैंने बताए हैं तो प्लीज़ आप लोग वो अपने बच्चों को करिएगा, या जो भी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो सब आप लोग करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।